मुकद्दस महीना
अब अल्लाह करीम इसकी कदरदानी की तौफीक और समझ भी अता फरमाए। नेमत जब पांच होती है दोस्तों, उस वक्त तक उसकी कदर नहीं रहती है, और जब नेमत जाहिर हो जाती है, इंसान से चली जाती है, फिर इंसान उस नेमत के चले जाने पर आंसू भी बहाता है, रोता भी है, चिल्लाता भी है, अपने दर्द के लिए दूसरों को ढूंढता भी है कि मैं किसके पास जाकर अपना ये दर्द दिल सुना के आऊं। इसलिए दोस्तों अल्लाह जल्ल मजदूहू ने ये मुबारक महीना एक मरतबा फिर अता फरमा दिया है। इसकी कदरदारी की फिक्र कीजिए, और इस महीने में इरादा और नियत ये कर ले कि मैंने इस महीने को सही माना में गुजारना है, और माजी के अय्याम जो मैंने गफलत में गुजारे हैं उन पर अल्लाह तुझसे माफी मांगता हूं, और पक्का और मुसम्मम इरादा करता हूं कि अल्लाह बकिया जो जिंदगी है उसको खूबसूरत बनाने का इरादा रखता हूं, मेरी मदद करना। जब ये इरादा और नियत आप कर लेंगे, अल्लाह आपके लिए आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में कोशिश करता है, मेहनत करता है, कदम उठाता है, हो नहीं सकता अल्लाह उसके लिए दरवाजों को खोल न दे, रास्तों को खोल न दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमें मेहनत और कोशिश करनी चाहिए और कदम उठा लेना चाहिए, अल्लाह की मदद नुसरत हमारे साथ शामिल हाल रहेगी। इसी चीज को मैंने गुज़िश्ता जुम्मा में आपसे अर्ज किया था, आइंदा जुम्मे में आपसे अर्ज करूंगा, और वो क्या अर्ज करना था, यही अर्ज करना था कि रमजान उल मुबारक में चंद अय्याम या एक महीने तक उम्मत मुस्लिमा के लोग अल्लाह की तरफ किसी न किसी दर्जे में मुतवज्जे हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत आला बात है, बहुत उम्दा बात है, लेकिन याद रखिए इस रमजान में अल्लाह से ये वादा कर लीजिए कि इस महीने में भी तेरे बन के रहेंगे और बकिया 11 महीने भी तेरे बन के रहेंगे। ये हर शख्स अपने अल्लाह से खुद वादा कर सकता है, मेरे वादे करवाने की जरूरत नहीं, हर शख्स का रब वही है जो मेरा है, जहां मैं उससे वादे कर रहा हूं वो मुझसे वादे कर रहा है, वहां रब वही तुम्हारा है, तुम उससे वादा करो वो तुमसे भी वादा करके दिखाएगा, करके तो जरा देखो। इसलिए इस माह रमजान में अपनी नियतों को खालिस करके आमाल की तरफ मुतवज्जे कीजिए, और माजी के गुजरे हुए अय्याम पर अल्लाह से माफी मांगिए, और आइंदा के लिए अल्लाह से वादा करें कि अल्लाह तेरे बन के रहेंगे और तुझे बन के दिखाएंगे। इरादा कर ले दोस्तों, इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा फरमा देगा। तो आमाल की तरफ आना दोस्तों इतना मुश्किल नहीं है। एक बात मेरी याद रखिए, आमाल सालेहा की तरफ आना इतना मुश्किल नहीं है, फजाइल पर अमल करना इतना मुश्किल नहीं है, जितना अपने आप को अल्लाह की नाफरमानियों और बगावतों से बचा।
देख लीजिए तजर्बा कीजिए। मैं भी अक्सर अपने बयानात में ज्यादा अमाल पे जोर नहीं देता, अल्लाह जिसको तौफीक दे वो कर ले, फराइज का एहतमाम करें, वाजिबात का करें, नवाफी जिक्र अज़कार इनकी अल्लाह तौफीक देता है जरूर कीजिए, लेकिन इससे बढ़कर फराइज और वाजिबात के बाद अगर कोई अमल आपने करना है तो अपने आप को गुनाहों से बचा के रखिए। यह है कमाल, यह है कमाल। नमाज का वक्त हुआ, मैं मस्जिद में आ गया, नमाज पढ़ी, निकल गया। मैं अगर बदतियानती और खयानत में मुबतला हूं, उससे बचना मेरे लिए दोस्तों आसान नहीं है। मैं धोखे और फराड में पड़ा हुआ हूं, नमाज पढ़ने में जुम्मा की आ जाऊंगा, फराड और धोखे से अपने आप को बचाना भी आसान काम नहीं है। जिसको रिश्वत की बीमारी लगी हो वो मस्जिद में आकर नमाज तो पढ़ लेगा, लेकिन रिश्वत से अपने आप को इतना आसान काम नहीं है कि वो बचा ले। जिसको शराब पीने का नशा चढ़ा हो मस्जिद में आकर नमाज शायद पढ़ ले, लेकिन उस गुनाह से अपने आप को बचाना कोई आसान काम नहीं है। तो दोस्तों अमाल करना इतना मुश्किल नहीं जितना अपने आप को गुनाहों से बचाना है। यह है कमाल दर्जे की बात। एक आदमी है फराइज का एहतमाम करता है, वाजिबात का एहतमाम करता है, नहीं उससे नफल पढ़ने जा रहे, कुरान नहीं पढ़ा जा रहा, जिक्र और अज़कार नहीं किए जा रहे, लेकिन अपने आप को गुनाहों से बचा के रखता है, आला तरीन इंसान है। और एक आदमी वो है नमाज भी पढ़ रहा है, जिक्र और अज़कार भी कर रहा है, तिलावत भी कर रहा है, और उधर से गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, फराड, धोखा, दावाजियां, मीरास के माल पे डाके, यतीमों के मालों पे डाके, जमीनों पे कब्जे, मिलावट, धोखे, फराड में मुब्तला है, ये शख्स उससे अफजल नहीं हो सकता। इसलिए इस रमजान मुबारक में ये तहैया कीजिए कि मैंने अपने आप को अल्लाह की नाफरमानियों से बचाना है, बगावतों से बचाना है और अल्लाह का बन के रहना है। दोस्तों गुनाह में लज्जत बड़ी आती है, वक्ती तौर पर मजा बड़ा आता है, ख्वाहिशाते नफसानी को पूरा करने में वक्ती मजा बड़ा आता है, लेकिन ख्वाहिशाते नफसानी और गुनाह और मजा लेने की कोई इंतहा। हम समझते हैं कि शायद ये काम कर लूं बस आप खत्म हो गए, नहीं, नफ्स और चाहेगा अब ये भी कर लो, अब ये भी कर लो, अब ये भी कर लो। ख्वाहिशात की इंतहा नहीं है, गुनाहों की इंतहा नहीं है, लज्जतों की इंतहा नहीं है। इंसान एक करता है, करते करते आगे बढ़ता ही चला जाता है। यूरोप की जिंदगी आपके सामने है, वाकयात हालात पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं। वो एक ऐसा मुआशरा है कि जहां पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, आप पर कानूनी तौर पर नहीं है, मजहबी तौर पर नहीं है, रियासती तौर पर नहीं है, आप अगर खुला गुना करते हैं कोई पूछने वाला नहीं है आपसे, कोई पूछने वाला नहीं है। सिरा उस मुआशरे में आम है, आप जाकर अगर उनसे पूछिए कि आपने अपने दिल की तस्कीन को पा लिया है, कभी भी आपको जवाब हां में नहीं मिलेगा, ना ही में मिलेगा। क्यों? इसलिए कि पाबंदियां नहीं है किसी भी हवाले से, हर तरह की लज्जतों को हासिल कर रहे हैं, ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं, लेकिन इंतहा। मुल्क अमरीका के बारे में मैंने पढ़ा कि वहां पर बदकारी और जिना बहुत ज्यादा है, कोई पाबंदी नहीं है, जिसका दिल चाहे वो आसानी के साथ ये बदकारी और जिना कर सकता है।
ना कानूनी तौर पर, ना अखलाकी तौर पर, ना माशरती तौर पर, ना मजहबी तौर पर। वो करना चाहे करते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन जब इसमें भी उनकी लज्जत पूरी न हुई तो अमेरिका के अंदर ज़िना बिल जबर की शरह सबसे ज्यादा है। बात समझ में आई? कोई पाबंदी नहीं है बदकारी करने में, आसानी के साथ कर रहे हैं। अखलाकी, माशरती, दीनी, कानूनी हवाले से कोई किसी को कुछ नहीं कहता, तो फिर और क्या चाहिए? लेकिन लज्जतों की इंतहा नहीं है कि यहां आकर लज्जतें खत्म हो गई, ख्वाहिशात रुक गई, नहीं, बल्कि अब उनको रजामंदी के साथ बदकारी में जो मजा आता था वो अब उससे आगे निकलना चाहते हैं। और आगे निकलने के लिए क्या इकदाम है कि हम अब जिना पे जबर करेंगे। अगर कोई लड़की राजी नहीं होती बदकारी के लिए, हम उसके साथ जबरदस्ती करेंगे। हमें इस जबरदस्ती बदकारी करने में मजा ज्यादा आता है। ये हालात है। मालूम क्या हुआ कि गुनाह में लज्जत नहीं और ना ही उसकी इंतहा है। एक कदम उठाएंगे, नफ्स कहेगा अब थोड़ा सा और आगे चले, और उस पर अमल करेंगे, नफ्स यही कहेगा अब थोड़ा और आगे चलो, और आगे चलेंगे, फिर दिल कहेगा अब इससे और आगे चलिए। ये तुम्हें चलाता जाएगा, चलाता जाएगा, किसी इंतहा पर नहीं पहुंचेगा। इसलिए दोस्तों, अपनी जिंदगी को बदलना है, अपनी जिंदगी की फिक्र करनी है, अपनी जिंदगी की इस्लाह करना है। हमें अपनी जिंदगी की फिक्र करनी है। ये जिंदगी बड़ी बेवफा है, कोई पता नहीं है कि जिंदगी की शाम किस गली में, किस वक्त, किस रोड पे, किस वक्त हो जाए, कुछ पता नहीं, कोई पता नहीं है कहां पर इंसान अल्लाह को प्यारा हो जाए। तो उससे पहले पहले इंसान अपनी इस्लाह की फिक्र क्यों ना करे, अपने आप को गुनाहों से क्यों ना बचाए, वक्ती लज्जतों से अपने आप को क्यों ना दूर रखे। हमेशा वाली जो लज्जतें हैं, हमेशा वाले जो मजे हैं, इंसान को अपने लिए उसको तैयार कर लेना चाहिए, और वो है आखिरत की हमेशा वाली जिंदगी के मजे। तो दोस्तों, ये गुनाह मजे की चीज नहीं है। वक्ती तौर पर इंसान को मजा आता है, लेकिन बाद में फिर उसको मजा नहीं आता। ये गुनाह एक बहुत बड़ा बन जाता है। इसकी मिसाल मैं आपने दूं, अल्लाह हमारे अकाबे और बुजुर्गों की उम्र में बरकत अता फरमाए। खूबसूरत खूबसूरत मिसालें दिया करते हैं हकीम मोहम्मद हजरत खानी रहमतुल्लाह अलैह ने। गुनाहों की मिसाल बड़े खूबसूरत अंदाज में दी। फरमाया, जिस शख्स को गुनाह करने में मजा आता है, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक खारिश ज़दा इंसान हो। एक खारिश ज़दा इंसान हो जिसको खारिश की बीमारी लग गई हो, वो बार बार अपने जिस्म को खुजाता है, कभी यहां से, कभी यहां से, कभी यहां से। अब वो जब खुजाता है, उसको खारिश करने में और खुजाने में बड़ा मजा आ रहा है। जितना खुजाता है उतना मजा आता है, जितना खारिश करता है उतना मजा आता है। जाहिरी तौर पर उसको लज्जत आ रही है, जाहिरी तौर पर उसको मजा आ रहा है कि मैं खुजाता चला जाऊं और लज्जत और सुकून हासिल करता चला जाऊं। थोड़ी देर बाद जब खारिश खत्म हो जाती है, तो फिर उस जगह के ऊपर क्या होती है, जलन शुरू हो जाती है, तकलीफ शुरू हो जाती है, जख्म मसा औकात बन जाते हैं खुजाने की वजह से। अब वो जो वक्ती तौर पर उसको खुजाने की वजह से और खारिश करने की वजह से मजा आ रहा था, वो हकीकत में मजा नहीं था। वो उस बीमार आदमी को अपनी बीमारी की वजह से वक्ती मजा आ रहा था। जब वो वक्त गुजर गया, अब वो जो मजा आ रहा था उस जगह पर क्या है, मजे के बजाय तकलीफ शुरू हो गई।
यही मिसाल इस गुनाह करने वाले इंसान की कि इसको वक्ती तौर पर गुनाह करने में मजा आता है, पैसा बड़ा आ रहा है, सूद खा रहा हूं, मिलावट कर रहा हूं, पैसा बहुत आ रहा है, इसमें मजा उसको बड़ा आएगा, वक्ती शराब पी रहा है मजा आ रहा है, और इसी तरीके से बदकारी कर रहा है वक्ती बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन जो ही उन कैफियत से बाहर निकलता है तो फिर दोस्तों जिस तरीके से वो खारिज सदा को एहसास होता है कि ये मैंने ठीक नहीं किया, अब वहां जहां मजा आ रहा था वहां तकलीफ की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, यहां पर भी ये शख्स गुनाह की लज्जत वक्ती हासिल करने के बाद वो फिर अल्लाह का मुजरिम बन जाता है, हकीकत में उसको मजा नहीं, हकीकत में अब उसको तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये है गुनाह के मजा और उसकी मिसाल। इससे मालूम क्या हुआ कि ये एक बीमारी है गुनाह, लज्जतों को हासिल करना, ख्वाहिशात पर चलना, ये कोई वक्ती लज्जत है, हकीकत में इसका मजे से कोई ताल्लुक नहीं है। जब नहीं है तो फिर क्या है दानिशमंदी का तकाजा कि इंसान अपने आप को इस बीमारी से दूर रखे। और याद रखिए अगर कोई गुनाह के अंदर मुब्तला है उस गुनाह से तो नफरत कीजिए लेकिन गुनाहगार से नफरत न कीजिए। एक बीमार आदमी है उसको किसी किस्म की कोई बीमारी लगी है, आप जाते हैं उसके पास और उसकी तीमारदारी करते हैं, आप उस बुराई से छुटकारा हासिल करने के लिए तो दुआ करते हैं कि अल्लाह इस बीमारी से इसको निजात अता फरमा, लेकिन उस शख्स के लिए ये दुआ नहीं करते कि अल्लाह इसको दुनिया से वापस ले जा, उसके लिए तो दुआ नहीं करते, उस बीमारी से दुआ करते हैं कि अल्लाह ये बीमारी दूर कर दे, लेकिन उस मरीज से नफरत नहीं करते, उस मरीज के लिए आप दुआ करते हैं कि ये एक बीमार आदमी है, बीमारी अल्लाह की तरफ से इसको लग गई है, बेआईनी ही इसी तरह अगर कोई गुनाहगार है किसी गुनाह में मुब्तला है उसके गुनाह से तो नफरत कीजिए लेकिन उस गुनाहगार से नफरत, गुनाह से जरूर नफरत कीजिए लेकिन गुनाहगार से नफरत करना यह दुरुस्त नहीं है। यहां पर मुझे वो बात भी आ गई, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा कहीं जा रहे थे, एक आदमी को देखा उसको लोगों ने सूली पे लटकाया हुआ है, सूली पे लटकाया हुआ है और उस शख्स का एक बाजू कटा हुआ है और एक टांग कटी हुई है। हजरत जुनैद बगदादी ने पूछा लोगों क्यों इसको लटकाया हुआ है, क्या जुल्म किया है इसने, लोगों ने जवाब दिया कि हुजूर इसने चोरी की है, बाज नहीं आता, पहली मर्तबा जब इसने चोरी की तो इसका हाथ काट दिया गया, फिर भी ये बाज ना आया, दोबारा चोरी की इसकी टांग को काट दिया गया, फिर भी बाज ना आया, तीसरी मर्तबा अब उसको सूली पे लटका दिया गया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उस मुजरिम और चोर के करीब जाकर उसके पांव को बोसा देते थे। आपको भी हैरत लगी ना, ये क्या वो चोरी कर रहा है, हजरत जुनैद बगदादी जाकर कदम छूते हैं। इसी तरीके से लोगों को भी हैरत हुई कि हजरत चोर है, मुजरिम है, हाथ भी कट गया, टांगे भी कट गई, आप उसके पांव को चूम रहे हैं। फरमाया मैं इसके जुर्म की वजह से नहीं चूम रहा बल्कि इसकी इस्तेकामत को देखकर मैं इसके पांव को चूम रहा कि गलत काम में भी मुब्तला है, चोरी में भी मुब्तला है, हाथ भी काट दिया गया, पांव भी काट दिया गया, लेकिन इसकी इस्तेकामत देखिए कि ये फिर भी अपनी चोरी से बाज नहीं आ रहा, फिर भी मजबूती के साथ अपने उस अमल पे खड़ा हुआ है, तो मैं जो इसके पांव चूम रहा हूं उसके अमल की वजह से नहीं, इसकी इस्तेकामत की वजह से चूम रहा हूं। इससे मालूम क्या हुआ
कि उससे नफरत नहीं है, नफरत अगर है उसके इस आमले बद की वजह से है, चोरी की वजह से है और डकैती की वजह से है। तो दोस्तों हमने गुनाह से तो नफरत करनी है लेकिन गुनाहगार से नहीं करनी, उसको समझाना है। जिस तरीके से बीमार के लिए दुआ करते हैं, गुनाह करने वाला भी एक बीमार है, उसके हक में भी दुआ करनी है, उसको समझाना है, बताना है, पकड़ के लाना है। बाकी दिल में अल्लाह डालने वाले हैं। अब दोस्तों गुनाहों से तौबा कैसे करनी है? साबिका जिंदगी जो गुजर गई है सबके सामने नहीं, नहीं किसी को बताने की जरूरत है। जाइए अपने तौर पर अपने अल्लाह से ताल्लुक को कायम कीजिए, अल्लाह से ताल्लुक को बना लीजिए। और रमजान मुबारक का महीना है, एक वक्त बड़ा कीमती है, एक वक्त वो तहज्जुद का वक्त है, उसमें अपने अल्लाह से जाकर वादा कर लो, कोई देखने वाला ना हो, एक आप हो और आपका रब हो, उससे अपने रब से राज और न्याज की बातें करने लग जाओ, बेहतरीन वक्त है। और भी औकात है, पाबंदी नहीं है, लेकिन बेहतरीन वक्त बतला रहा हूं, तहज्जुद का वक्त है। सहरी के लिए तो उठते ही उठते हैं, अगर 10 मिनट पहले उठकर अपने अल्लाह से मुलाकात कर लो तो क्या ही बात है। आसमाने दुनिया पर अल्लाह करीम आते हैं, आने की क्या कैफियत है अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन क्या है, पुकारते हैं मेरे बंदो मुझसे कोई माफी मांगने वाला है कि मैं माफ करूं। लेकिन अगर हम इस आवाज पर लबैक न हैं और अपनी नींदों में मसरूफ रहें या बाजारों में मसरूफ रहें या रमजान मुबारक में क्रिकेट मैचों में टूर्नामेंट में मसरूफ रहें, तो मुझसे बड़ा बदकिस्मत इंसान कोई और नहीं हो सकता। इस महीने को कीमती बनाइए। तो आरज कर रहा था अपने अल्लाह से लो लगाइए, बेहतरीन वक्त नमाज तहज्जुद का है, तहज्जुद का वक्त है, उसमें अल्लाह से साबिका जिंदगी की माफी मांगिए कि अल्लाह बहुत हो चुका, अब तुझसे मिलना चाहता हूँ, तेरा बनना चाहता हूँ, मुझे अपना बना दे। नौजवानों खास तौर पर तुमसे कहता हूँ, आजकल माशरे में तुम्हें बर्बाद और जाया करने के लिए बहुत कुछ आ गया है, बहुत कुछ आ गया है, एक बटन दबाने की, क्लिक करने की जरूरत है, सारा कुछ आ जाएगा, आपकी बड़ी बनाई जिंदगी को खाक में मिला के रख देगा। आपसे कहता हूं अपनी जवानियों को बचाइए, खूबसूरत जिंदगी गुजारिए, अल्लाह के बन के रहिए और अल्लाह से साबिका जिंदगी की माफी मांगिए और मुस्तकबिल में अल्लाह से वादा कीजिए कि अल्लाह गुनाह नहीं करूंगा, ये एक बीमारी है, मुझे इस बीमारी से निजात अता फरमा दीजिए। और तौबा कैसी करनी है, ये आखिरी वाक्य आज करके बात खत्म करता हूँ, ईमान ताजा हो जाएगा। तौबा नौजवानों कैसे करनी है, बुढ़ापे में पूछने वाले लोगों तौबा कैसे करनी है, दाढ़ों में दाढ़ी में सफेदी आने वाले लोगों तौबा कैसे करनी है, जरा वाक्य आज किए देता हूँ। हजरत हसन बसरी का दौर है, बड़े जलील कदर मुहद्दिस, उनके दौर में एक शख्स था बड़ा अमीर तरीन आदमी, बड़ा पैसा था, कारोबार था, अल्लाह का करना ऐसा हुआ जवानी में इंतकाल हो गया, जवानी में इंतकाल हो गया, एक अखलौता बेटा है, बीवी उसकी बड़ी देख पापरता और शरीफ, हजरत हसन बसरी की मजालिस में जाया करती थी और वहां पर बैठकर उनके दर्स वगैरह सुना करती थी, नेक पारसा खातून थी, अकलौता बेटा था, बाप का साया सर से उठ गया। और आमतौर पर आपने देखा है जब अकलौता भी हो, बाप का लाडला भी हो, पैसा भी बहुत ज्यादा हो, तो फिर क्या करता है, वो वन मीलिंग पे आ जाता है, वो वन मीलिंग करने पे आ जाता है, वो गाड़ी ऐसी अंदाज में चलाता है कि 10 को नीचे दे देता है, कुचल के रख देता है, क्यों, पैसे का नशा है, और पैसे का नशा इंसान को टिकने नहीं देता, जमीन पे आजीदी से चलने नहीं देता,
उसका दिमाग आम तौर पर खराब ही रहता है। इस बच्चे का भी दिमाग इसी तरह ही गर्म हो गया। पैसा है, हर चीज है, शबाब है, अबाब है, जवानी है, मस्तानी है, सारा कुछ है। माँ बड़ी समझाती रही, नेक खातून, बेटा बस कर जा, बेटा बस कर जा, आ जा, आ जा, अब हसन बसरी के कदमों में आ जा, अल्लाह के पास आ जा, अल्लाह का बन जा, उनके दुरूस पे बैठा कर। उसपे कहां बात असर करे, वो कहे मेरी जवानी है, मेरी मस्तानी है, पैसा है, मैं क्या करूंगा। नहीं, बास आया, माथा नहीं, कहते कहते एक दिन ऐसा आ गया कि वो नौजवान लड़का भी किसी बीमारी में मुब्तला हो गया, और मुब्तला होने के बाद वो बिस्तर पे लग गया। ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ कि बिस्तर के साथ लग गया, अब वो उठने के काबिल नहीं। जब सेहतमंद था तो मस्त था, बीमारी में जब पहुंचा पता चल गया कि चंद दिनों का मेहमान रह गया हूं, तो दिल में आया कि मां तूने सारी जिंदगी मुझे पुकारा बुलाया कि हसन बसरी के दुरूस पे जाओ, उनके पास बैठो, अल्लाह की तरफ आ जाओ, गुनाहों से बाज आ जाओ। मैंने नहीं सुना, मां आज तौबा करना चाहता हूं, मां तौबा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे तौबा करनी नहीं आती, मुझे तौबा करनी नहीं आती। मां कैसे तौबा करूं, जा वक्त के इमाम हसन बसरी को कह दे कि वो मेरे पास आ जाए, मैं तो जा नहीं सकता, कि मुझे आकर तौबा करवा दे, मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ गया। मां ने शुक्र का कलिमा पढ़ा कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बेटे को ये फिक्र तो लाही हुई कि मैं जाऊं और हसन बसरी को कहूं कि मेरा बेटा पुकार रहा है, आप आइए तौबा के कलिमात पढ़ा दीजिए ताकि इसकी जिंदगी बन सके। मां जब जाती है हजरत हसन बसरी के पास, उनके पास एक वक्त में बड़ा बड़ा मजमा होता था जो उनके दस में शामिल होता था। हसन बसरी से जब औरत ने कहा तो उन्होंने आने से माजरत कर ली, आने से माजरत कर ली कि मैं नहीं आ सकता, मेरे दस का टाइम है और इतने लोग बैठे हुए हैं, मैंने उनको दस देना है, मैं कैसे आ सकता हूं। चुनाचे माँ माँ भी मायूस होकर वापस घर आ गई और बेटे से कहने लगी कि बेटा मैंने तो तुझे पहले कहा था, तू तो था है ही बेबख्ता नहीं, कि उस वक्त मैं कहती थी उनके पास जा, अब उनको बुला रही हूँ, वो आने के लिए तैयार नहीं है, तेरे से बड़ा बदबख्त मैंने किसी को नहीं देखा, मैं क्या कर सकती। उस नौजवान के दिल में तड़प थी, उस तड़प ने उसको बैठने न दिया और उसने लेटे लेटे बिस्तर पे हाथ उठाए और कहने लगा अल्लाह तू बख्शिश में आए तो तू हसन बसरी का मोहताज। इतनी उम्दा बात है, ए अल्लाह अगर तू बख्शिश में आए तो तू हसन बसरी का मोहताज नहीं है, मैं आज तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे जहन्नुम में न लेकर जाना, मैंने सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तो बख्शने में आए तो बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्श देता है, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे। और मरने से पहले माँ को एक वसीयत करके गया कि मैं माँ जब मैं मर जाऊं मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में मत दफनाना, इसलिए कि मैं इतना गुनाहगार हूँ जिस कब्र वाले के साथ मुझे दफनाओगे मेरे गुनाहों की वजह से कहीं उस पर भी अजाब अल्लाह का ना आ जाए, मुझे कहीं किसी दूर बेराने में दफना देना या घर के किसी आंगन कोने में मुझे दफना देना, मुसलमानों के कब्रिस्तान में मत दफनाना, मेरी वजह से किसी और को अजाब ना हो जाए। इस दौरान इसकी रूह निकल जाती है, रूह निकलने के बाद ये माँ माँ है, ममता है उसकी, जब जोश में आती है जवानों, ये फिर हसन बसरी के बाद दौड़ लगाती है कि हसन बसरी से कहती है कि हजरत आपने तौबा के लिए नहीं आए, लेकिन बेटा अब दुनिया से रुखसत हो गया, आ जाइए अब जनाजा पढ़ा दीजिए।
हसन बसरी ने उस वक्त इंतहाई सख्त कलिमात कहे और कहने लगे कि मैं उस गुनाहगार और बदबخت इंसान की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हूं जिसने सारी जिंदगी कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी अल्लाह के सामने नहीं झुका, मैं उसका जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। फिर मायूस होकर आती है, कुर्ब जवान में रहने वाले मोहल्ले पड़ोसियों को कहती है कि बेटा फोत हो गया है, इसके गुस्ल की और तजहीज और तकफीन की फिक्र करें। लोग जमा हुए, आपस में मशवरा करने लगे कि जनाजा इसका कौन पढ़ता है। तय हो गया आपस में, उसको गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और जनाजा बिल्कुल तैयार हो गया। मुशावरत हो गई कि इनमें से कोई एक बंदा इस नौजवान की नमाज जनाजा पढ़ा दे। अभी नमाज जनाजा तैयार ही था कि देखने में क्या आया कि हसन बसरी दौड़ते हुए उस नमाज जनाजा के लिए आ रहे। दोस्तों तौबा ऐसी होनी चाहिए। हसन बसरी नमाज जनाजा से पहले दौड़ते हुए आए और फौरन आकर उस खातून से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं तेरे बेटे के नमाज जनाजा के लिए हाजिर हो गया। मां कहती है ठीक है, मैं तो चाहती यही थी, मेरी तो ख्वाहिश यही थी कि मेरे बेटे की नमाज जनाजा आप पढ़ाएं, जल्दी आइए नमाज जनाजा पढ़ाइए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त उस खातून से अर्ज किया कि तुमने मुझसे पूछा नहीं कि पहले जब तुम आई मुझसे जनाजे के लिए कहने, मैं नहीं आया और अब मैं खुद ब खुद दौड़ता हुआ आ गया, मुझसे पूछा नहीं आपने, क्या माजरा है? तो उस खातून ने कहा बतलाइए क्या मसला है, मुझे भी जरा पता चल जाए। फरमाने लगे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कि मैं जब दिन में अपने दर्स से फारिग हुआ और फारिग होने के बाद दोपहर में मेरा थोड़ा सा मामूल है तैनूला करने का, आराम करने का, मैं थोड़ी देर लेटा, मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर रहा हूं, मैं जैसे ही लेटा तो मुझे ख्वाब के अंदर अल्लाह की तरफ से ये इशारा मेरा कि हसन बसरी तूने मेरे एक दोस्त की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई और उससे इनकार कर दिया, फौरन दौड़ के जा और मेरे उस दोस्त की नमाज जनाजा पढ़ा, और अगर नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता मैं अल्लाह तुझसे जो कुछ तेरे पास है वो सारा का सारा छीन लूंगा। जो तुम्हारे पास है इल्म, जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, अगर तुम उसका जनाजा के लिए नहीं गए मैं अल्लाह तुमसे सारा कुछ छीन लूंगा। मेरी आंख खुलती है, मैं दौड़ लगा के आता हूँ और आकर मैं अब तुमसे अर्ज करता हूँ कि मेरा एहसान तुम पे नहीं है, आपका एहसान मुझ पे है कि मुझे मौका दीजिए कि मैं इस नौजवान की नमाज जनाजा पढ़ा दूं और अल्लाह जो मुझ पर गजबनाक हो रहे हैं मैं अल्लाह के गजब से बच जाऊं। ये क्या है? ये उस नौजवान की सच्ची तौबा है कि जिसने हसन बसरी को भी मजबूर किया और वो आया और उन्होंने आकर उसकी नमाज जनाजा अदा किया। ये है सच्ची तौबा। जब इंसान अल्लाह से सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह से लो लगा ले, तो दोस्तों फिर अल्लाह उसको अपना इस नौजवान की तरह दोस्त बना लेता है। अल्लाह के दोस्त बन जाइए। मुबारक महीना है, प्यारा महीना है, अपने गुनाहों से बाज आ जाइए, अपनी नई जिंदगी का आगाज कीजिए। तौबा किस चीज का नाम है? एक नई जिंदगी के आगाज का नाम है। लोग शादी करते हैं, लड़के और लड़की की जब शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, लोग कहते हैं अब नई जिंदगी का आगाज कर रहे हैं। जो वो नई जिंदगी है तो दोस्तों तौबा क्या है? तौबा भी एक नई जिंदगी का आगाज है। साबिका जो जिंदगी थी उससे अल्लाह की पनाह, अल्लाह माफ कर दे, अब नई जिंदगी है, उस नई जिंदगी को कैसे गुजारना है वो आपको पता है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला ये खूबसूरत और नई जिंदगी हम सबको नसीब फरमा दे।